नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। अरुण जेटली के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवंगत बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पत्नी और बेटे से फोन पर बात की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त बहरीन के दौरे पर हैं। बहरीन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और अरुण जेटली को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बहरीन में हूँ और वहाँ मैंने अपना एक सबसे करीबी मित्र खो दिया है। चलिए देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मैं कर्तव्य से बंधा हुआ इंसान हूं, एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है, देश जन्मोत्सवी का, कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है, उस पल मेरे भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द, मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना, सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की, वो अरुण जेटली, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। और ये अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि इस महान नेता के जाने से पूरे देश की आंखें नम है। हम भी उनके आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनको शत शत नमन करते हैं। श्रद्धांजलि, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।